अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चॉकलेट केक। इसके लिए हमने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। तो मैदे को हम छान कर डालेंगे। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सबको छान लेंगे। यहाँ पे हमने छान लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे 1/3 कप तेल, 1/2 टीस्पून डालेंगे वेनिला एसेंस, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1 कप दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। अभी बैटर रेडी है। अब यहाँ पे है गोल मोल्ड, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम बैटर को डाल देंगे। थोड़ा टैप कर देंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। यहाँ पे मैंने पतीले को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है स्लो फ्लेम पे। इसके अंदर केक का मोल्ड रखेंगे। नीचे मैंने स्टैंड रखा है और इसे ढक देंगे और एकदम लो हीट पे 40 से 45 मिनट इसे हम पका लेंगे। यहाँ पे 40 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। एकदम क्लीन है हमारा केक हो गया है। अब गैस का चूल्हा बंद करते हैं और इसे हम निकाल लेते हैं। मैंने निकाल लिया है। ये भी बहुत गर्म है, ये जब ठंडा हो जाएगा फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है इधर हम क्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चिल्ड क्रीम। इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। ये नॉन डेरी क्रीम है और एकदम चिल्ड है, इसलिए इसमें शुगर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉन डेरी क्रीम में पहले से शुगर रहता है। अगर आप कोई डेरी क्रीम ले रहे हो या अमूल फ्रेश क्रीम ले रहे हो तो इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर भी डाल दें। अब इसे हम बीट करेंगे। शुरू में 1 मिनट लो स्पीड पे करेंगे, उसके बाद स्पीड को बढ़ाएंगे। ये हमारी क्रीम रेडी हो गई है। वॉल्यूम में डबल हो चुकी है और एकदम थिक हो गई है। इसे उल्टा करो तो भी गिरेगा नहीं। ये थोड़ा ठंडा हुआ है, अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो हम इसे जाली पे निकाल लेते हैं पहले। इसका बटर पेपर निकाल देंगे। बहुत सॉफ्ट बना है। अब इसे आधे पर से डिवाइड कर लेंगे 2 हिस्सों में। अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे, इसके ऊपर केक रखेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे शुगर सिरप, इसको अच्छे से शोक करेंगे। अब मैंने शुगर सिरप लगा दिया है। अब इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्रीम लगा दिया है ऊपर।
ऊपर डालेंगे थोड़ा ग्रेट किया हुआ चॉकलेट, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप कर दें। अब इसके ऊपर केक का दूसरा हिस्सा रखेंगे। इसको ऊपर से थोड़ा काट के बराबर करेंगे। अब इसे क्रीम से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने केक को पूरा क्रीम से कवर कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा डालेंगे ग्रेट की हुई चॉकलेट। तो यहाँ पे हमारा केक तैयार है। बची हुई क्रीम से थोड़ा साइड में हम इधर फूल बना देंगे। ऊपर थोड़ा सिल्वर बॉल डाल देंगे। थोड़ा साइडों में चॉकलेट लगा देंगे ग्रेट की हुई। अब यहाँ पे केक बनके तैयार हो गया है, इसे काट लेते हैं। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।